गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है लगभग 5:45 और यहाँ पर देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। आज जो है मैं 5 बजे ही जाग गई थी और वैसे तो मेरा यही जो है डेली का रूटीन रहता है, जैसे कि आप सभी देखते ही हैं, 5, 5:15, ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 तक मैं जाग ही जाती हूँ। तो आज 5 बजे जाग गई थी क्योंकि हस्बैंड ने जो है शाम को बोला था कि जो काले वाले चने होते हैं वो मैं भिगो दूँ उनके लिए, वो जो है खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा उसी की जो है मैं सब्जी बना लूँगी, तो वो मैंने जो है ज़्यादा ही भिगो दिए थे और उनको मैंने बॉयल होने रख दिया था। तो वो कुकर में देखिए बॉयल हो गए हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो उसी में मैंने जो आलू थे थोड़े ज़्यादा ही डाल दिए थे कि ब्रेकफास्ट में जो है आलू के पराठे हो जाएंगे। तो बस जब तक कुकर की गैस निकल रही थी तब तक यहाँ पर मैंने पराठों के लिए जो आटा था वो भी लगा कर रख दिया था और आटा भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जो है लगा दिया था। इसी तरह से मैं करती हूँ कोशिश कि अपने काम को जितना हो सके उतना मैं कम कर लूँ। कोई चीज़ ऐसी होती है जो ब्रेकफास्ट में यूज़ होनी होती है, जिस तरह के चने वगैरह होते हैं ना, तो जब भी चने बनते हैं तो मैं थोड़े ज़्यादा ही कर लेती हूँ कि उसी के फिर जो है मैं सब्जी बना लूँगी। तो इस तरह से ना काम जो है हमारा कम हो जाता है तो काफ़ी जो है हमें राहत हो जाती है। यहाँ देखिए चने और जो आलू थे काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गए थे और जो आलू मैंने एक्स्ट्रा रखे थे वो मैंने लेकर उन्हें फोड़ लिया है, अच्छे से मैश कर लिया है। उनमें मसाले थोड़े से ऐड कर दिए हैं क्योंकि बनाऊंगी पराठे जैसे कि आपको बताया। तो बस उतने ही आलू ले लिए हैं जितना कि ब्रेकफास्ट में पराठे हो जाएं, फिर तो बाद में जो है लंच बनेगा ही। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्याज भी काट ली थी, हरा धनिया काट लिया था, हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि बाबू के लिए जो है पराठे बनाने वाली हूँ। अच्छे से मिक्स जो है तैयार कर लिया है और आटा जो है हमने लगा ही दिया है तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद अब नंबर आ गया है पराठे बनाने का, तो यहाँ पर फटाफट से मैं 2 से 3 पराठे बना दूंगी तो बाबू के टिफ़िन के लिए हो जाएंगे और जो है वो खा लेगी। और कोई चीज़ बनती है ना तो वो जो है खाकर नहीं जाती है, बट आलू के पराठे उसे इतने अच्छे लगते हैं ना कि वो खा भी जाती है और ले भी जाती है। वैसे कोई और चीज़ हो तो यही बोलेगी कि भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने उसके लिए 3 पराठे बना दिए थे और जो है 1 उसने खा लिया था और 2 मैंने उसके टिफ़िन में रख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया हमारा फूला फूला एकदम क्रिस्पी जो है पराठा बनकर तैयार हो गया है। और आपको जो है मेरे आलू के पराठे इतने पसंद आते हैं ना, सच में आप इतनी तारीफ करते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट हकीकत बताऊँ तो पहले मुझे भी बिल्कुल भी पराठे बनाने नहीं आते थे, बट धीरे धीरे अब जो है आने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पराठे बन गए थे और अब यहाँ पर बाबू के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था तो उसको मैं ब्रेकफास्ट दे आती हूँ करने के लिए, और जब तक वो ब्रेकफास्ट करेगी तब तक उसका जो टिफ़िन है वो मैं लगा दूंगी। तो जैसा कि मैंने आपके साथ जो है व्लॉग में शेयर किया था कि भैया जो है मुझे आने वाले हैं, तो आज जो है भैया आने वाले हैं शाम को, तो मैंने ना सुबह जल्दी ही अपने सारे काम जो है निपटा लिए थे क्योंकि काम निपटाने के बाद फिर जो है मुझे अपनी पैकिंग वगैरह भी करनी थी क्योंकि 8-10 दिन के लिए जाना है। तो काफ़ी जो है सामान हो जाता है और स्पेशली जब बच्चे छोटे हैं होते हैं तो इस वजह से सुबह जल्दी सारे काम निपटा दिए थे। तो फिर मैं अपना दिन में पैकिंग वगैरह जो है आराम से मैंने कर ली थी। और वैसे भी मेरे सारे काम जो है डेली आप देखते हैं सुबह जल्दी ही हो जाते हैं क्योंकि जल्दी जाग जाती हूँ और तो फिर काम भी जल्दी ही हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत जो है आराम मिल जाता है अगर जल्दी उठकर हम अपने कामों में लग जाते हैं ना, तो हमारे काम जो है 9-10 बजे तक ईजिली सारे काम हो जाते हैं तो फिर पूरा दिन हमारा जो है फ्री रहता है। तो देखिए यहाँ पर 24 को बाबू का बर्थडे है, बट आज से स्कूल बंद हो जाएंगे तो आज वो अपना जो है घर के ड्रेस में गई है और साथ ही आज ही उसने अपने स्कूल में जो टॉफ़ी वगैरह थी वो बांट दी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो बाकी के बचे हुए पराठे थे वो भी बना लिए थे, ब्रेकफास्ट कर लिया था, अभी जाग गया था तो उसको भी मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करा रही थी। तो बस यही होता है जब सुबह जल्दी जागकर कामों में लग जाते हैं ना तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, बट सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि सुबह जो है जल्दी जागे कैसे, सुबह जल्दी जागा ही नहीं जाता है, बहुत आलस होता है। स्पेशली अब विंटर के सीज़न में तो बिल्कुल भी जो है निकलने का मन नहीं होता है ब्लैंकेट रजाई वगैरह में से। तो इस तरह के मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी हमसे तो सुबह जागा ही नहीं जाता है, हम सुबह कैसे जागें, प्लीज़ हमें कुछ जो है बताइए। तो देखिए मैं
पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, सुबह जल्दी जागने का सबसे जो है मेन मूल मंत्र होता है कि आप शाम को रात में जल्दी सोइए। तो आप रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जो है जल्दी आँख खुल जाती है। उसके बाद भी अगर आँख नहीं खुलती है ना तो अलार्म लगाइए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, बेशक मेरी आँख अपने आप खुल जाए लेकिन मैं कभी भी अलार्म लगाना नहीं भूलती हूँ। और अलार्म ना हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे हम मोबाइल में अलार्म लगा रहे हैं तो मोबाइल हम अपने पास ही रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब अलार्म बजता है ना तो हम नींद में होते हैं और नींद में हम मोबाइल के अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि इतना काम हम नींद में कर देते हैं। तो इस तरह से मत कीजिए। मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास 2-3 जो भी मोबाइल है मैं सब में अलार्म लगा देती हूँ, सारे मोबाइल में दूर रखती हूँ, कोई मेज पर कोई अलमारी में इस तरह से जो है मैं रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि जब वो बजते रहते हैं ना तो उनको हमें बंद करने के लिए उठना पड़ता है बेड से, हमें बेड छोड़ना पड़ता है। और जब हम एक बार बेड छोड़ देते हैं ना तो अपने आप ही जो है आलस खत्म हो जाता है। तो यही मेरा जो है मूल मंत्र होता है, यही मेरी जो है थोड़ी सी आप चालाकी बोल सकते हैं ये होती है कि मैं कभी भी अलार्म लगाकर फोन को जो है अपने पास नहीं रखती हूँ, उसको हमेशा दूर रखती हूँ, एक किचन में रख दूंगी और मेज पर रख दूंगी। इस तरह से रखती हूँ ना कि जब वो बजते हैं नींद खराब होती है तो उनको बंद करने के लिए जो है मुझे ही उठना पड़ता है, हस्बैंड तो उठते नहीं है, तो फिर जो है नींद अपने आप भाग जाती है जब आप एक बार बिस्तर छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद से ही अपने काम में लग जाती हूँ तो सारे काम फिर जो है टाइम से होते चले जाते हैं। तो आप भी एक बार ये चालाकी जो है कर देखिए तो आपकी भी जो है आंख जरूर खुल जाएगी, फिर आपका आलस जो है दूर हो जाएगा। और जब कुछ दिन आप ऐसे करेंगे ना तो फिर आपको एक हैबिट हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल भी जो है आलस नहीं लगेगा, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जब काम सारे टाइम से हो जाते हैं ना तो दिन हमें पूरा फ्री मिल जाता है तो हमको खुद अच्छा लगता है, फिर आप उस टाइम में सो सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं तो आपको खुद जो है अच्छा लगने लगेगा सुबह उठकर जो है काम जल्दी निपटाना। तो यही जो है तरीका होता है, तो इसको आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको जो है जो ये ना उठने वाली जो टेंशन होती है ना ये दूर हो जाएगी। और जब सारे काम टाइम से होते चले जाते हैं ना तो मन बड़ा खुश होता है, टेंशन फ्री रहते हैं हम, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो बस यही मेरा एक जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है, जो मैं शुरू से फॉलो करती आ रही हूँ, वरना पहले मुझे भी बहुत जो है आलस होता था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए बातों बातों में यहाँ सारे काम हो गए मेरे, मैंने जो है मशीन लगा दी थी जिससे कि साथ के साथ कपड़े धुलते रहे, साथ के साथ मैंने अपना पूरा किचन क्लीनिंग का काम निपटा लिया, झाड़ू लगा दिया। और अब देखिए नंबर आ गया है पोछा लगाने का, तो किचन में पोछा लगाने के बाद जो है मैंने अपना रूम में जो पोछा है वो लगाकर और फिर से जो है आप जानते हैं कि मैं किचन से फिर निकाल कर पीछे की तरफ ले जाती हूँ और फिर जो है मैं आंगन में पोछा लगा देती हूँ। तो इसी तरह से जो है मेरा रूटीन रहता है। और अभी जो है लगभग 9 बजे का ही टाइम हो रहा था और इतने में आप देख सकते हैं मेरे सारे काम हो गए थे, साथ ही साथ जो मेरे कपड़े हैं वो भी धुल गए थे। और कपड़ों में थोड़ा टाइम इसलिए हो गया क्योंकि बीच में जो है लाइट चली गई थी, वरना कपड़े और पहले धुल जाते। तो ये जो फर्स्ट वाला राउंड था ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी इस वजह से। तो बस ये जो कपड़े थे ये धुल गए, ये मैं फैला देती हूँ यहीं। और उसके बाद फिर जो है मैंने बेडशीट डाल दी थी तो वो मैं डाल दूंगी बाहर क्योंकि अंदर तो अब जगह है नहीं। उसके बाद बेडशीट डालने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहाकर आकर यहाँ मेरी हो गई है पूजा। और पूजा करने के बाद जो है यहाँ दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो बस मैं दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और बेडशीट मेरी धुल गई थी तो वो हस्बैंड ने जो है निकाल दी थी और बस अब मैं यहाँ पर आ गई थी बेडशीट बाहर डालने के लिए। तो अभी 9:15 से थोड़ा ही ऊपर हुआ था, 9:30 भी नहीं हुआ था। और जो है मेरे सारे काम आप देख रहे हैं, बातों बातों में सारे काम हो गए। और काम करने में भी ना बहुत अच्छा लगता है, जब आपके पास टाइम होता है ना तो आप आराम से काम करते हैं, वरना एक भड़बड़ी सी होती है, बहुत जल्दबाजी सी होती है। तो काम जब करते हैं ना, जब टाइम की कमी होती है तो एक जो है क्या बोलते हैं टेंशन सी होती है, खीज सी होती है जब हमारे पास टाइम कम और काम ज़्यादा होता है। तो बट मेरे काम जब टाइम से होते चले जाते हैं तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगता है काम करने में, और बिल्कुल भी जो है बोरियत और बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए उधर मैंने एक बेडशीट उधर डाल दी थी, पिलो कवर वगैरह डाल दिए थे, और एक बेडशीट मैं इधर डाल दूंगी क्योंकि फिर उधर जगह नहीं रहती है, लोग निकलते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत जो है जगह छोड़नी होती है। तो बस यहाँ पर बेडशीट डालने के बाद और मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पर अभी ने दूध मांग लिया था तो उसको दूध दे दिया है। और अब मैं जाऊँगी किचन में और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी पराठे, उनके लिए मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।